अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं और सफर का आगाज हो रहा है। और ये देख लीजिए, पूरी गाड़ी करा ली, पूरी बस करा ली अपने गाइस। पूरी बस हम लोगों ने कराई है लाहौर जाने के लिए। और अगर आप लोगों ने जाना है हमारे साथ तो आ जाए, बस में बैठ के चलते हैं। पूरी बस करा ली है गाइस, टिकट तो दिखाए, टिकट भी बस बुक कर दिखा दे भाई। पूरी बस हमने बुक कर ली है। हाँ, ये सीन है ना। तो वीडियो पूरी देख ली आप लोगों ने, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। तो फिर आ जाए, तो आप लोग निकल रहे हैं अभी और लाहौर के लिए। पूरी बस ये यार बिलाल भाई, तुम अभी तक बेड पे लेटे हुए हो। तुम कह रहे थे कि यार तुम लाहौर वाहौर जाना है, तुमने क्या सीन है यार, अभी तक गए नहीं तुम? तो जा तो रहे लाहौर भाई। जा रहे हो लाहौर? मतलब तुम कैसे जा रहे हो? स्लीपर बस है भाई, स्लीपर बस है। स्लीपर बस में बैठे हो? नहीं करो यार, ये बस है, स्लीपर बस में जा रहे हैं हम लोग। दादा मतलब कि स्लीपर बस में जा रहे हो आप? हाँ ना, और क्या। ये तो फुल मजे, यानी शशके एकदम भाई, शशके करते हुए जाने, शशके करते हुए जाने भाई, एकदम शशके करते हुए जा रहे हैं बिलाल भाई। ये देख लो जरा, लेटे हैं मजे से, पीछे स्क्रीन पे टैग लगाया हुआ, हटना जरा, स्क्रीन पे टैग लगा हुआ है जो है ना। वाह भाई जबरदस्त, मतलब पूरा बैट कर लिया यार बिलाल भाई तुमने। कर लिया तुमने तो, इंतजार कर दिया अभी तो तुमने, पूरी बस कर दी थी, पूरा बैट ले लिया यार। पैसे वसूल करने ना दादा। अच्छा जबरदस्त। तो गाइस फिर हम लोग जो है वो निकल चुके हैं यहाँ से और आपके सामने स्लीपर बस में लेटे हुए जा रहे हैं भाई, ठीक है। और ऐसा है कि फुल एंजॉय करना है भैया, और जो है ना बीच बीच में आप लोगों को शशके कराते रहेंगे, देखते हैं कहाँ क्या सफ़र है। बेसिकली हम लोग सफ़र कर रहे हैं इस वक्त डाइवो की स्लीपर बस में और लेट के सफ़र कर रहे हैं गाइस, ठीक है। फुल इंजॉयमेंट, चिल माहौल, मतलब सारे पैसे वसूल यही करने हैं, पैसे वसूल करने हैं भाई, मतलब मज़ा करना है ना यार, सिर्फ मार्केट विजिट नहीं करनी, सिर्फ फुल इंजॉय करना है। अच्छा ये बताओ कि आपको ये सर्विस से क्या क्या मिला अभी तक? क्या क्या मिला अब तक, मतलब अभी कुछ खाने को मिला आपको? अभी तक कुछ नहीं मिला, खुद खरीदा भाई ये जो। खुद खरीदा, क्या क्या खरीदा अभी तक? कुछ नहीं मिला ये, ओहो वगैरह, मतलब अच्छा खासा सामान वगैरह ले लिया हमने। तो यहाँ से आपने क्या उम्मीद लगाई कि क्या मिलने वाला है यहाँ से? यार मैंने सुना था बिरयानी मिलती है, देखते हैं क्या सीन होता है। बिरयानी कौन सी, चिकन की बीफ की? अब ये तो देखते हैं, आती है बीफ की, आती है आलू की, आती है चिकन की। मतलब मजा आने वाला है ना? मजा आने वाला है। और गाइस दिखाओगे? दिखा देंगे यार, खाते हुए जो जो चीज़ें होंगी ना सब अपडेट करेंगे। अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं डाइवो के मेन टर्मिनल से, अब हम कहाँ पे नेक्स्ट स्टॉप करते हैं, क्या सिचुएशन होती है, कब पहुँचते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं रास्ते में, सब बताएंगे गाइस। बिल्कुल सब बताएंगे गाइस। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, उससे होगा क्या कि आपको स्लीपर बस के बारे में पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या खाने को मिला और कहाँ कहाँ इसने स्टॉप किए, मतलब हमारा सफर कैसा रहा है, पूरी जर्नी आपको इस पूरी जर्नी बताएंगे। और सिर्फ जर्नी नहीं बताएंगे भाई, फिर जो जो इंजॉयमेंट लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, और जो जो हमें इन्वाइट कर रहा है सबके पास जाएंगे भाई। वो तो यासिर भाई वो तो जाना है, वो तो आपको पता है, वो सब अपडेट करेंगे ना अपने व्लॉग्स में, सब चीज दिखाएंगे, खाना खाना पीना सब। अच्छा मजे की बात है गाइस, आपको बहुत मजा आने वाला है। तेरे भाई की बहुत जान पहचान है, टेंशन नहीं लेने का। चलो फिर पता चलेगा कि किसकी जान पहचान ज्यादा है, किसको पहचानते हैं ज्यादा। बस अब इसको यहीं पे बंद करते हैं और फिर जो नेक्स्ट जो सीन होगा ना फिर वो दिखाते हैं, वो तो दिखाएंगे। तो गाइस भाई हम लोग अभी हैदराबाद पे स्टे किया है 10 मिनट के लिए, जो है वो हैदराबाद पे रुके हैं, जरा मुआद वाशरूम वगैरह से होके आ गए हम लोग, ठीक है। और जो है पता नहीं बिलाल भाई को सर्दी क्यों लग रही है यार, क्यों भाई सर्दी हो रही है गाइस? यहाँ पे सर्दी है, यासिर भाई ने तो माशाल्लाह चार चार जैकेट पहन ली है। सर्दी नहीं लग रही है, चार चार जैकेट आपने पहन ली तो चार चार क्या यार, एक ये हल्की सी हाफ स्लीव वाली पहनी, मतलब यार एक जो जैकेट है वो चार के बराबर का। हम तो यहाँ पे देखे आपके सामने बिल्कुल जो है कुछ भी नहीं पहना हुआ, तो जाहिर बात है सर्दी तो लगेगी ना। और बाकी बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो में आप लोगों को, पता है क्यों? क्योंकि हमने हैदराबाद कवर कर लिया, इसके बाद पता नहीं गाड़ी कहाँ रुकेगी वो भी आपको कवर करके दिखाएंगे। तो यासिर भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई बात ये है कि जहाँ जहाँ गाड़ी रुकेगी, जो जो मामलात होते रहेंगे सफ़र में हम आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये व्लॉग जो है आप लोग ने अगर पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, और जो है पूरा सफ़र यानी हमारा कैसा गुजरा वो दिखाएंगे, और फिर बाकी की जो भी मजे करेंगे हम वो आप लोगों के साथ ही करेंगे, आप लोगों को बताएंगे भाई, मतलब यूं करके दिखा रहे हैं आप लोगों ना असल में। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यासिर भाई कि यार आपके ये वाला स्टाइल मुझे ना मतलब यूनिक की तरह यूनिक ही है वो। बिल्कुल तो यार बिल्कुल, चले फिर आ जाए, आ जाओ आ जाओ, गाड़ी चलने वाली है, गाड़ी चलने वाली, आ जाओ गाइस। मोरो पे 10 मिनट का स्टॉप किया है हैदराबाद के बाद, अब और यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है और ठंड भी हो रही है साथ साथ, ठंड हो गई है, बारिश हो गई रास्ते में, बारिश हो रही है और ठंड भी हो रही है और हालत भी टाइट हो गई है इस टाइम पे ना, क्या करें। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, लेकिन क्या करें, करना तो है ना।
और भूख से हालत भी टाइट हो रही है क्योंकि रिफ्रेशमेंट मिली बस, उसके बाद से कुछ नहीं मिला है भाई, गायबों की बस है, अल्लाह माफ़ करे यार, क्या बोले। तो फिर जो है ना अभी कुछ खाते हैं, बिल्कुल कुछ खाते हैं, चलो थोड़ा 10 मिनट है इसी में खाना पीना कर लो। तकरीबन तो गाइस बारिश हो रही है, बारिश हो रही है और चाय भी चल रही है, साथ साथ जो है ना पंजाब में आती बारिश हो गई क्योंकि मोरो में है तो बड़ा मज़ा होने वाला है क्योंकि साथ साथ चाय और बारिश तो दिखाएं, बारिश देखें भाई, बारिश माशाल्लाह बारिश हो रही है यहाँ पे और ठंड भी फिर वैसी हो रही है, हमने जो है ना ऑडी वगैरह पहन ली है तो फिर चलते अपनी बस में आ जाए। चलो भाई चलो, सक्खर पहुँचे हैं जो देख रहे हैं आप, बारिश होती रही सारे रास्ते और अभी 5:30 बजे का टाइम है, हम लोग सक्खर पहुँचे हैं, यहाँ पे थोड़ी देर का स्टे है और यहाँ पे भी सर्दी हो रही है काफ़ी। ठीक है, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है फ्री मील बॉक्सेस, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कुछ खाने को मिलने वाला है फ्री में या नहीं, क्या सीन पार्ट है। फाइनली गाइस कुछ खाने को मिल गया ड्राइवर की तरफ से, जो कि है एक छिटाक बिरयानी, एक छिटाक बिरयानी से पेट भरने वाले, एक छिटाक बिरयानी है और बिल्कुल ठंडी ठंडी घी जमा हुआ है भाई, घी जमा हुआ लेकिन यार खाना तो पड़ेगा, घी जमा हुआ बिल्कुल ठंडी बिरयानी एक छिटाक जिसमें घी जमा हुआ। फिलहाल भाई मुँह धो दोगे ना, अपना मुँह रगड़ दिया इन्होंने, लाहौर पहुँचते आधा मुँह रह जाएगा इनका, मुँह धोए जा रहे हैं। आग नहीं खुली तो मुँह धोना पड़ेगा, आग नहीं खुली थी इनकी भाई, हमने पकड़ के आग खोली इनकी। इस खाने वाले पे पहुँचे हैं और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 12:10 है और तकरीबन हमें 3 घंटे मजीद लगेंगे लाहौर पहुँचने में। अभी खाने वाले पे पहुँचे और ठंड हो रही है, धुंधी धुंध फैली हुई है, देखें ठंड हो रही है और मज़ा आ रहा है। रास्ते में जो है वो बारिश होती रही है, यहाँ पे भी अभी भी हल्का हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। और फिलहाल भाई ज़रा वाशरूम में है तो मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट कर दूं, फिर यहाँ से थोड़ी देर में निकल रहे हैं और इंशाल्लाह 3 बजे तक हम लोग लाहौर होंगे। अच्छा गाइस हम लोग खैरियत से पहुँच गए हैं लाहौर, ठीक है, और बस से उतर के हम जो है ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी में भूल गए थे, तो अब जो है ना घर पर बैठे हुए हैं रिलेटिव के और वहाँ पर आपको बता रहे हैं, तो फाइनली लाहौर में है और अब जो जो जगह जाएंगे आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलेगी। तो जो भी मार्केट की वीडियोस हैं वो कौन से चैनल पे आएंगी, हमारे मेन चैनल पे आएंगी, और जो व्लॉग्स होंगे वो हमारे यूनिक यश व्लॉग के ऊपर आएंगे, आपको वहाँ पे मतलब ये कि फुल एंजॉयमेंट मिलेगी देखने को, ठीक हो। तो भैया आपने ये व्लॉग पूरा देखना है और मज़ीद डिटेल भी आपको अगले व्लॉग में बनाते हैं, ठीक हो गया भाई, तो फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।